गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जीतू बना है। आप सबको नमस्कार, हमारे अतिथिगण को भी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले आपको याद दिलाता हूँ, कल 23 मार्च 1931 को हमारे देश के तीन बहादुर बच्चे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने शहादत हासिल करी थी। मैं उनको नमन करता हूँ और अन्य शहीदों को भी नमन करता हूँ और उनके लिए दो पंक्ति पढ़ता हूँ कि आज पुष्प बिछा दो, आज पुष्प बिछा दो शहीदों के रास्ते पे, कभी उन्हें भी तो नमी का एहसास मिले। मेरी कविता जिसका शीर्षक है देशभक्ति, इस प्रकार है। देशभक्ति की ज्वाला, देशभक्ति की ज्वाला हम दिल में लिए फिरते हैं, ये देख न जाने कितने दुश्मनों के मंजर हिलते हैं। तोड़ सके ना काट सके कोई इन बुझाओ को, तोड़ सके ना काट सके कोई इन बुझाओ को, जो चल चुके हैं अब कर्म धन के राहों को। ऊंच नीच की बात से बढ़कर, ऊंच नीच की बात से बढ़कर स्वप्न मैंने दिखाया है, मैंने हर स्वप्न में अपने तिरंगे को अव्वल पाया है। रोज नमन करता हूँ मैं, रोज नमन करता हूँ वसुंधरा के वीरों को, जो छोड़ गए विरासत हम करोड़ों हीरो को। आह्वान है समस्त युवा तलवारों से, आह्वान है समस्त युवा तलवारों से, आगे बढ़कर कमान संभालो अपने विचारों से। सही समय है ताल ठोककर हुंकार उठाने का, सही समय है ताल ठोककर हुंकार उठाने का, ये देश मांगे लहू हम सबको आजमाने का। तू छोड़ दे ये रंगों का भेद, तू छोड़ दे रंगों का भेद और कसम खा खेत खलियानों से, तू छोड़ दे रंगों का भेद और कसम खा खेत खलियानों से, फिर गूंज उठा है स्वर अब देश सेवा में आने के। नदियों से सींचा मेरा कण कण है, नदियों से सींचा मेरा कण कण है, सेवा भाव सुरक्षा में समर्पित मेरा मन है। आखिरी की चार पंक्ति है, जरूर सुनिएगा। ये सब देशभक्तों से और मेरे प्यारे साथियों से आह्वान है कि दुश्मन संभल जा, दुश्मन संभल जा, ना बस तू समझ इसको हुंकार, करोड़ों सैनिक है तुझे अब चीरने को तैयार। देशभक्ति कर्म भाव, देशभक्ति कर्म भाव तो सब एक भाना है, मुझे 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 हर जन्म भारत माँ की कोख में मोक्ष पाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।